हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में जो बनने वाला है वो न्यूट्रिशन से भरपूर है, जिसमें प्रोटीन फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में है, ये जिसे हम लोग ओट्स बोलते हैं। तो आज मेरे किचन में बनने वाला है ओट्स, और ये ओट्स जो है मेरे घर में हर किसी को बहुत पसंद आता है और बनते ही ये जो है गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने किस तरीके से बनाया है आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओट्स बनाने के लिए मैं जो है सब्जी वाला ओट्स बना रही हूँ, मतलब वेजिटेबल ओट्स। तो बहुत सारी सब्जियाँ हमने लिया है, ये देखिए पत्ता गोभी, इसे मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और इधर देखिए बीट रूट है, बीन्स है, प्याज है, आलू है, सबको मैंने एकदम पतला पतला काट लिया। आप चाहे तो और सारी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, टमाटर हो गया, आपका मटर हो गया, और भी जो सब्जी आपको मिल जाता है, ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, जो भी सब्जी आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। और ये काफ़ी टेस्टी बनता है। और ये ओट्स का डब्बा देख रहे हैं, पूरा डब्बा था, अभी इतना बचा है, और इसे मैं हल्का सा रोस्ट करके रख देती हूँ और ये आराम से पूरा महीना आपका चल जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को गर्म किया है और कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा तेल, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, ज़्यादा तेल इसमें लगने की ज़रूरत नहीं होता है तो ज़्यादा हम लोग डालेंगे नहीं। और थोड़ा सा हमने खड़ा जीरा डाल दिया है, खड़ा जीरा को हम लोग चटकने देते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे सारे सब्जियाँ। देखिए इसमें तेल जो है हम लोग ज़्यादा डालेंगे नहीं, वैसे भी हम लोग डेली लाइफ में तेल ज़्यादा खाते हैं, तो एक दो दिन बिना तेल का खाइए, फिर कम तेल खाइए। तो ये बिना कम तेल का हेल्दी नाश्ता अगर बन जाता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज सबको डाल दिया है। आलू पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मैंने आलू डाला है, उसके बाद मैंने बीन्स डाला है। और ये सारी सब्जियाँ ऐसे हैं जिसे आप लोग, मतलब हम लोग स्टीम करके भी खा सकते हैं, ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बीटरूट भी डाल देती हूँ और हल्का सा इसे भून लेती हूँ। और ये सारी सब्जियाँ जो है, मतलब इसमें फाइबर भी है और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी इसमें पत्ता गोभी जो मैंने काट के रखा था उसको भी डाल देते हैं, हरा मटर है तो हरा मटर भी डालिए। अगर आप हरी मिर्ची डालना चाहते हैं तो आप फ़ौरन में ही डाल सकते थे, हरी मिर्ची मेरे पास है नहीं तो मैं डाल नहीं रही हूँ, आप हरी मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। अभी नमक मैं डाल रही हूँ, नमक डालने से क्या होगा, सब्ज़ी गलेगा और थोड़ा पानी छोड़ेगा। तो नमक डालकर मैं इसको कर दे रही हूँ ढककर, दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे क्या होगा सब्ज़ी थोड़ा सॉफ्ट होगा और ये पानी अपना छोड़ना शुरू करेगा। अभी मैंने हल्दी भी डाल दिया है और देखिए हल्का हल्का पानी देख सकते हैं छोड़ना शुरू कर दिया है और सब्ज़ी थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तो एक बार हल्दी डालकर चला देते हैं और फिर से ढककर इसको दो तीन मिनट तक पकने देते हैं, फिर से इसको बीच में चलाते रहेंगे। देखिए अभी जो है थोड़ा और सब्ज़ी पक गया है, तो अभी इसको एक बार चला लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं, अगर नीचे चिपक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब जल जाने से इसका टेस्ट जो है सब्ज़ी का ख़राब हो जाएगा। अभी इसमें कुछ मसाला ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर हमने डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया क्योंकि मैंने हरी मिर्च इसमें डाला नहीं है। और सब मसाला कुछ ज़्यादा इसमें यूज होगा नहीं, धनिया भी बस थोड़ा सा मैंने डाला है। और इसके बाद इसको एक बार चला लेंगे और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि मसाला जो है जले नहीं, मसाला भूनना है हमको, जलाना नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स अभी इसको ढककर थोड़ा सा और मसाला को पकने देते हैं। और देखिए अभी मेरा जो है मसाला पूरा पक गया है और नीचे थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी जब डालते हैं तो हल्का गुनगुना पानी ही डालिए, गुनगुना करके रखे रहिए, जिससे क्या होगा सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। अभी टमाटर मेरे पास नहीं था तो मैं टोमेटो केचप जो आता है मार्केट में उसी को डाल रही हूँ। टमाटर है आपके पास तो फ्रेश टमाटर छोटा छोटा काट कर आप डाल सकते हैं। अभी मैंने इसको डालकर एक बार मिक्स कर लिया और थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर दी हूँ और अभी इसको ढककर पकने दूंगी। सब्ज़ी थोड़ा गल जाए जो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खड़ा खड़ा जब पीस सब्ज़ी का रह जाएगा तो बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करेंगे, वो सब्ज़ी को फेंक देंगे। तो अभी जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से कलची से चला देंगे ना, चू इस तरह से, तो ये क्या होगा सब्ज़ी का और पीसे जो है चूर हो जाएगा, इससे अच्छा मिक्स हो जाएगा। देखिए सब्ज़ी पक गया है, आप इसी टाइप पर खा सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा और इसको पकने देते हैं और इसमें अभी डाल देते हैं ओट्स। ओट्स मैं यहाँ पे एक कटोरी भर के डाल रही हूँ, ये चार लोगों का है, आप चाहे तो ज़्यादा कम ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए एक बार इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डाल दे रही हूँ भर कर गुनगुना पानी। पानी को मैंने हल्का सा मतलब गर्म कर लिया था और उसी को मैं डाल रही हूँ, जिससे क्या हुआ सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है और सब्ज़ी जल्दी तैयार भी, मतलब कुछ भी जल्दी तैयार हो जाता है। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये मसाला, ये मैजिक पूरा एक पैकेट डालूंगी, इससे काफ़ी तीखा चटपटा बनेगा और बच्चे लोगों को पसंद भी आएगा। हर किसी को ये जो है ओट्स हमारे घर में पसंद है, जब इस तरह से मैं बनाती हूँ ये जो है बनते ही
कढ़ाई जो है खाली हो जाता है। तो अभी इसको मैंने डाल दिया है, एक बार चलाकर इसको ढककर पकने देते हैं 4 से 5 मिनट। अब देखिए 4 से 5 मिनट हो गया और ये देखिए पूरा गदकना शुरू हो गया। तो इसको ऐसे ही मत छोड़िए, बीच में इसको चलाते रहिए, क्योंकि ओट्स जो है वो काफ़ी फैलता है, पानी डालने जितना पानी डालेगा उतना फैलेगा और नीचे जो है चिपकना शुरू हो जाएगा कढ़ाई में। इसलिए हर 2-3 मिनट पर इसको चलाते रहिए और थोड़ा थोड़ा पानी बीच में डालते रहिए, नहीं तो क्या होगा ये नीचे पूरा चिपक जाएगा। और ओट्स जो है ना थोड़ा गीला रहता है, मतलब पतला जैसा रहता है, खिचड़ी टाइप का, तभी जो है वो खाने में अच्छा लगता है। तो अभी देखिए फिर मैंने इसको चलाकर फिर इसको ढक दिया है। अभी 2 मिनट बाद मैं फिर इसको निकालूंगी और देखिए अभी निकाला है तो मैंने देखिए नीचे जो है फिर से हल्का हल्का चिपकना शुरू हो गया। तो फिर मैं चला देती हूँ और इसको अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। बस मेरा ओट्स जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और सबसे लास्ट में जो है धनिया पत्ती है आपके पास तो हरी धनिया पत्ती आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आप इसे कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में भी इसे आप खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर है, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो ओट्स से हेल्दी नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से ओट्स बनाएंगे तो आपके बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। मेरे बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाते हैं और मेरी छोटी बच्ची को तो ये हर समय चाहिए, मतलब नाश्ते में दे दीजिए, खाने में दे दीजिए, रात को भी दे दीजिए, वो रात को भी खा लेगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ओट्स बनकर तैयार है और इसे इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए तो और इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप अपने घर पे ओट्स किस तरह तरीके से बनाते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।